ट्रिग्नोमेट्री। आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। माई ट्यूटोरियल्स बिलोंग्स टू CBSE एंड बिहार बोर्ड 3rd to 12th। आज के वीडियो लेक्चर में हमें दिया गया है 3 फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्क्वायर फार्मूला। पहला जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड जो है सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा जो है वो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो भी वर्क करेगा फार्मूला प्रूफ करने में वो आपका है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और मैंने यह भी बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो आज मेरे को ये तीनों फार्मूला आपको प्रूफ कर करके दिखाना है कि मैं किस ढंग से इसे प्रूफ कर पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रूफ करने की ओर। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला में चलेंगे तो हम लोग LHS से चलेंगे। तो LHS में क्या दिया गया है सबसे पहली बात, तो LHS में आपका दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। The Brilliant Tutorials, CBSE EMPS, 3rd to 12th Kumbhakar Road, Mobitpur, Lokpatna, 8,1109. थीटा, बट मैं यहाँ पर जानता हूँ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो पी बाई एच होता है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म है इसलिए यह भी आपका स्क्वायर होगा। और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाई एच, सो मैंने बी बाई एच लिखा, बट ये स्क्वायर में है तो मैं भी यहाँ पे इसका स्क्वायर करूँगा। अब चूंकि यदि हम स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे कि पी स्क्वायर और बटे एच स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हम बोल पाएंगे कि बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर है सो इसका भी एलसीएम एच स्क्वायर होगा। अब चूंकि एच स्क्वायर का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि एच स्क्वायर आ जाए, तो 1 बार, 1 से मैं पी स्क्वायर में गुना करूँगा तो मेरे को आएगा पी स्क्वायर। प्लस एच स्क्वायर का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि एच स्क्वायर आए, तो 1 बार, 1 में मैं बी से गुना करूंगा तो आपका जो था वही आ जाएगा, मीन्स बी स्क्वायर हो जाएगा। पर मैं फार्मूला जानता हूं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है आपका एच स्क्वायर, मीन्स हम बोलेंगे एच स्क्वायर। और नीचे में भी हम देख पा रहे हैं कि ये एच स्क्वायर है। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो कटेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। यही 1 आंसर जो है वो आपका आर एच एस है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब दूसरा जो फार्मूला है उसमें हम लोग चलेंगे, तो इसमें भी हम लोग एल एच एस से चल रहे हैं। एक बार तो एल एच एस से चलेंगे तो देख रहे हैं कि एल एच एस वाला जो टर्म है वो आपका है सेक स्क्वायर थीटा, बट सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक जो होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है। मीन्स हम पलट के लिखेंगे तो बोलेंगे कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का 1 हो जाएगा, बट बी का मान मैं जान रहा हूँ कितना दिया हुआ है, तो बी बाई एच दिया हुआ है। यदि हम इसका स्क्वायर देख रहे हैं तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। अब चूंकि यदि हम तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि 1 बाई, और यहाँ पर यदि करेंगे तो हम देखेंगे कि बी स्क्वायर और बटे एच स्क्वायर। अब चूंकि जो बाई का भी बाई होता है रोटेट कर करके ऊपर जाएगा तो एच स्क्वायर का गुना 1 के साथ में होगा, तो हम बोल पाएंगे कि एच स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर इसका आएगा। इसी प्रकार यदि हम इसके आर एच एस को सॉल्व करें, आर एच एस तो आर एच एस में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि हम जानते हैं कि 1 का 1 रहेगा, बट टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो पी बाई बी होता है, तो हम बोल रहे हैं कि पी बाई बी होगा, तो इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का 1 रहेगा और प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और बाई यहाँ पर होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हम दोनों का यदि हम एलसीएम ले तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये आपका बी स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर बन जाए यहाँ पर बी स्क्वायर होगा और प्लस पी स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है एच स्क्वायर, सो फाइनली यदि हम बोले तो बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर जो है सो इसका टर्म्स होगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि एल एच एस का जो वैल्यू था सॉल्व करके आया वही वैल्यू आपका आर एच एस में भी आया, मीन्स एल एच एस का जो वैल्यू है वो आर एच एस के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
होता है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा में, तो तीसरा में भी हम लोग चलेंगे तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलेंगे LHS से और हम RHS ला करके दिखाएंगे। जैसे LHS में आपका दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का होता है, तो हम लिख दिए कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। अभी वन है तो वन ही रहेगा, चूंकि हम पी का मान जानते हैं क्या दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है पी बाई एच, तो हम यहाँ पर रखेंगे पी बाई एच। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए इसके फॉर्मूला का भी स्क्वायर होगा, वन बाई पी बाई एच का स्क्वायर करेंगे तो हम लिख पाएंगे कि पी स्क्वायर और बाई एच स्क्वायर। अब जो बाई का भी बाई होता है वो ऊपर चला जाता है, मीन्स एच स्क्वायर और बाई पी स्क्वायर होगा। बट हम क्या फार्मूला जानते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि हम लिख पाएंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में आपको मिल रहा है पी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे दोनों टर्म में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो मैं पाऊंगा कि पी स्क्वायर के नीचे में भी आपको पी स्क्वायर मिलेगा और बी स्क्वायर के नीचे में भी आपको पी स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा वन और प्लस बी बाई पी इक्वल टू फार्मूला होता है कॉट थीटा। चूंकि ये स्क्वायर में है इसलिए हम बोल सकते हैं कि अभी स्क्वायर में होगा। इस प्रकार LHS को हम सॉल्व किए थे और पहुंच गए RHS पर। ये आपका प्रूफ हुआ। नेक्स्ट जो फार्मूला हम बताएंगे वो अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।